गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ प्लग सिंगल, अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, स्टडिंग इन किड्स 7 पब्लिक स्कूल चौथावन। टुडे इज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आई हैव सम हिस्टोरिक अबाउट हिम। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ मेजर रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इज कटक सिटी ऑफ ओडिशा। He was freedom of struggle with bravery. He was popularly known as Netaji. Subhash Chandra Bose's father name was Janaki Nath Bose and mother name was Prabhavati. Subhash Chandra Bose gave the slogan, "You give me blood, I will give you freedom." Thank you and have a nice day. Good morning, everyone. My name is Anvisha. I humble student of grade 7. I study in grade 7 public school Charthawal. Today is the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. I will share some quotes. ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कौशिक त्यागी, हम्बल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, स्टडिंग इन किड्स 7 पब्लिक स्कूल चलथावल। टुडे इज 125 बर्थडे एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आई विल शेयर सम क्वेटीज। भारत में एक क्रांतिकारी आया था, अंग्रेजों को उसने बहुत सताया था। आजाद हिंद फौज बनाकर उसने सबके दिलों में विश्वास दिलाया था। आजादी का हौसला पूरे देश में जगाया था। जय हिंद और चलो दिल्ली का नारा उसी ने लगाया था। लोगों को हकीकत से रूबरू करवाया था। जब खून मांगकर आज़ादी देने का वादा सबसे करवाया था। इस क्रांतिकारी ने विश्व में बहुत नाम कमाया था, इसलिए यह इतिहास में सबसे ऊपर आया था। इस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को लाचार बनाया था और भारत देश में नेताजी का गौरव पाया था। यह महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाया था। इस महान पुरुष ने अपना जीवन गवाया था जब विमल दुर्घटना का समाचार सामने आया था, लेकिन इस साहसीमा समाचार को कोई ना समझ पाया था, क्योंकि नेताजी को उसके बाद भी कई लोगों ने जगह जगह पर पाया था। इस दुर्घटना समाचार को सुनकर पूरा भारत जय हिंद चिल्लाया था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कौशिक त्यागी, हम्बल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7, स्टडिंग इन किड्स 7 पब्लिक स्कूल चलथावल। टुडे इज 125 बर्थडे एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आई विल शेयर सम क्वेटीज। भारत में एक क्रांतिकारी आया था, अंग्रेजों को उसने बहुत सताया था। आजाद हिंद फौज बनाकर उसने सबके दिलों में विश्वास दिलाया था। आजादी का हौसला पूरे देश में जगाया था। जय हिंद और चलो दिल्ली का नारा उसी ने लगाया था। लोगों को हकीकत से रूबरू करवाया था। जब खून मांगकर आज़ादी देने का वादा सबसे करवाया था। इस क्रांतिकारी ने विश्व में बहुत नाम कमाया था, इसलिए यह इतिहास में सबसे ऊपर आया था। इस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को लाचार बनाया था और भारत देश में नेताजी का गौरव पाया था। यह महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाया था। इस महान पुरुष ने अपना जीवन गवाया था जब विमल दुर्घटना का समाचार सामने आया था, लेकिन इस साहसीमा समाचार को कोई ना समझ पाया था, क्योंकि नेताजी को उसके बाद भी कई लोगों ने जगह जगह पर पाया था। इस दुर्घटना समाचार को सुनकर पूरा भारत जय हिंद चिल्लाया था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। माय नेम इज नन्नी त्यागी, अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7। ग्रेड 7 आई स्टडी इन किड्स 7 पब्लिक स्कूल रोहाना रोड चरथावल। टुडे इज 125th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। I will share of fight. भारत का वो सच्चा सपूत, परमवीर साहसी लीडर, भारत को आजाद करवाया वो सुभाष चंद्र
बोस अमर जय हिंद और दिल्ली चलो करारा उसने लगवाया था। आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को सताया था। भारत देश गौरव पाकर वो नेताजी कहलवाया था। उसके असीम योगदान से भारत आजादी का स्वाद चख पाया था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऋषित गर्ग, अ हंबल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 इन किड 7 पब्लिक स्कूल चरथावल। टुडे इज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आई विल शेयर सम कोट्स। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूकी थी। उनके जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। थैंक यू। Respected elders and friends, my name is Sataakshi Bhardwaj from grade 7. I would like to share a thought by Subhash Chandra Bose. यदि कभी हमें झुकना पड़े तो वीरों की भांति झुकें। Thank you. Have a nice day. Hello everyone, my name is Ahmed Nawaz, a humble student of grade 7. I study in Kid 7 Public School. So, today is Subhash Chandra Bose Jayanti. So, I would like to share some words about him. Subhash Chandra Bose was an Indian freedom fighter who was affectionately known as Netaji. His political and ideological were very largely influenced by the Bhagavad Gita, and he worked freely to gain independence for India from Britishers' rule. He believed in the ideals of democracy. However, he also believed that pure democracy would not work in a post-colonial India. He believed that the National Socialist model adopted by Soviet Russia would be the best model to implement in India. His life was filled with respect for his action as a freedom fighter, but he also faced criticism for the alliances with Nazi Germany and imperialist Japan to overthrow the British occupation. Thank you.